देखेंगे कि एप्सन M2140 पे बोथ साइड कैसे हम लोग जेरोक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मीनू ऑप्शन को देखते हैं। जैसे हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का मीनू ऑप्शन शो करता है। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा लेफ़्ट राइट, और ये कीबोर्ड है, इससे हम लोग ओके बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आईडी कार्ड का ऑप्शन आता है, तो फिलहाल आईडी कार्ड का ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। तो इस आईडी कार्ड को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ़ हो गया। लेफ्ट राइट करने से ये ऑफ़ हो जाता है, ये अब ऑफ हो चुका है। नीचे में देखिएगा ओके लिखा हुआ है, ये नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ ओके लिखा हुआ है और यहाँ प्रिंट सेटिंग लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी जेहेतु आईडी कार्ड का नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ओके बटन को प्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग का दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वन बाई वन साइड, ठीक है, ये पेपर सेट किया हुआ है, A4 साइज प्लेन पेपर है। तो हम लोग को बोथ साइड जेरोक्स करना है, ये जहाँ पर हम लोग सिंगल साइड जेरोक्स करते हैं उसके लिए है। हम लोग को बोथ साइड करना है तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरो चिन्ह नीचे का तरफ एरो चिन्ह में सेटिंग शो कर रहा है। अगर हम लोग को यही सिंगल साइड करना है तो यहाँ से हम लोग ओके करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए 1x1 शो कर रहा। अब हम लोग इसका सेटिंग में चेंजेस करेंगे, इस एरो बटन को राइट साइड एरो बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद देखिए ये बोथ साइड का नीचे वाला ऑप्शन है। तो ये नीचे वाला बटन को प्रेस करने कर देते हैं, उसके बाद ओके को प्रेस कर देते हैं। अब कैसा हम लोग को जेरोक्स करना है तो लैंडस्केप में ही करना है, तो इसको ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया एक पेज में दो साइड, यानी बोथ साइड आगे पीछे। अब हम लोग यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का मीनू आइटम पूरा सेट हो चुका है। एक पेज में बोथ साइड, एक्चुअल साइज यानी पेज का ओरिजिनल जो साइज रहेगा वही जेरोक्स होगा, A4 साइज और प्लेन पेपर। तो चलिए जेरोक्स स्टार्ट करते हैं, ढक्कन को बंद कर दिए, उसके बाद इस बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉपी के लिए इस बटन को प्रेस करने के लिए बोल रहा है। इस बटन को प्रेस करते हैं, दो बार प्रेस करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट स्कैन कर रहा है, स्कैनिंग लिखा हुआ है। अभी स्कैन ले चुका है, अब यह प्लेस सीट टू सेकेंड सीट मांग रहा है। फिर हम लोग इसको कवर को उठा के फेस को पलटी कर देंगे, फेस पलट दिए और ये फिर ढक्कन लगा के फिर हम लोग इस बटन को प्रेस कर देते हैं। जैसे ये सेकंड पेज स्कैन कर लेगा ऑटोमेटिक ये जेरोक्स करना शुरू कर देगा। ये देखिए ये सामने का लिया, फिर पेपर अंदर चला गया, फिर ये बैक साइड का कर रहा है, ये देखिए निकल गया। बहुत ही अच्छा जेरोक्स होता है, रेजर मशीन जैसा ही इसका भी जेरोक्स है। और इसमें बढ़िया बात यह है कि ये इसका जो काली है वो पानी में ख़राब होता नहीं है। हाँ, ये इंकजेट प्रिंटर है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो काली है वो अगर आप इस पर पानी डालेंगे, मैंने खुद ट्राई भी किया है, ये फैलता नहीं है, ठीक है। इंकजेट में मशीन में क्या होता है ना कि अगर आप उस जेरोक्स कराएं उसके बाद इसको स्केच करोगे ना तो ये धीरे धीरे उड़ जाएगा, लेकिन ये उठता नहीं है। और इंकजेट का क्या प्रॉब्लम है कि अगर पानी पड़ता है तो वो धीरे धीरे फैल जाता है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाटर रेजिस्टेंस है तो बहुत अच्छा है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमको एक से ज़्यादा पेपर, अब अगर नेक्स्ट पेज करना है तो चेंज कर जेरोक्स करना है तो अब क्या करना होगा, फिर से हमको सेटिंग चेंज करना होगा? नहीं, इसमें सेटिंग हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जस्ट यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे, ये देखिए ओके प्रेस कर दिए यहाँ पर, और फिर यहाँ से स्कैन दो बार टिपेंगे और इसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अब ये स्कैन करेंगे, फिर उसके बाद ओके टिपेंगे, फिर स्कैन करेंगे दो बार। इस तरह से हम लोग इस बटन को और इस बटन के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू सेम सेटिंग पे वो साइड स्कैन कर लेंगे और प्रिंट आउट करते चले जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग सेम पेज सेम डॉक्यूमेंट्स का दो
दो या दो से ज़्यादा कॉपी निकालना है तब क्या करना होगा? तब बार बार हमें स्कैन करना होगा? नहीं, यहाँ पर जैसे हम लोग लेजर मशीन में करते हैं या हम लोग नंबर यहाँ पर बार बार करना होगा? नहीं, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर टिप देंगे, उसके बाद जैसे यहाँ आईडी कार्ड तो ऑफ है बट यहाँ कॉपी पूछ रहा तो हम लोग यहाँ से प्रेस कर देंगे। एक बार में आप 99 कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है, एक बार में एक स्कैन करके या बोथ साइड या आईडी कार्ड का 99 कॉपी निकाल सकते हैं। तो हम लोग जितना कॉपी निकालना है वहाँ पर इसको सेट कर दिए, सेट कर दिए। जैसे मान लीजिए 5 कॉपी निकालना है तो मैंने 5 कॉपी कर दिया, करने के बाद यहाँ ओके बटन प्रेस किया, सेटिंग वही है बोथ साइड, ठीक है, एक्चुअल साइज यही है। अगर सिंगल निकालना है तो बस हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, 1x1 को जो बटन को प्रेस करना है वो एक सिंगल हो जाएगा। ये बोथ साइड हो रहा है इसलिए यहाँ पर बोथ साइड करना है। अब यहाँ से हम लोग इसको दो बार टिप के स्कैन कर देंगे, ये स्कैन ले रहा है, अब देखिए यहाँ प्लेस सीट टू पूछ रहा, हम लोग बैक साइड को फिर स्कैन कर लेंगे। जैसे स्कैन ले कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक जेरोक्स करने ये स्टार्ट कर देगा। इसका स्पीड ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ही कम है, ये मीडियम में ठीक है। ये मीडियम दुकान के लिए आप लोग का बेसिक काम करने के लिए बहुत ही बेहतर मशीन है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग के दुकान में आईडी कार्ड बोथ साइड यही सब आता है और ज़्यादातर अभी डॉक्यूमेंट A4 साइज का ही हो गया है। तो ये मशीन 16,000 में बहुत ही बढ़िया मशीन है और कंपनी तो 1,00,000 कॉपी का दावा करती ही है और 3 साल का वारंटी तो है, तो मेरे हिसाब से ये उसे ज़्यादा ही चलेगी। मेरा ऑडी एक कैनन का बड़ा लेजर मशीन भी है लेकिन फिर भी मैंने इसे परचेज़ किया है क्योंकि वो लेजर मशीन है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक और बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है, लेकिन ये मशीन कम दाम में अवेलेबल है और एप्सन इसे 3 साल के गारंटी के साथ 1,00,000 कॉपी का गारंटी भी देती है। तो इससे ये पता चलता है कि मशीन बहुत ही अच्छा है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैं इसे 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आपको मल्टीपल काम करना है तब मुश्किल होती है थोड़ी बहुत, और अगर A4 साइज से ज़्यादा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तब आपको सुविधा है। बाकी आईडी कार्ड और वो साइड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स करने के लिए कंप्यूटर से प्रिंट देने के लिए यह मशीन बहुत ही बेहतर है। लगभग आपका इससे रेजर मशीन से आप 100% काम कर सकते हैं बट मेरा मानना है कि इस मशीन से आप अप्रॉक्स 90% तो काम कर ही सकते हैं। प्रिंट के मामले में अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो यह मशीन बहुत ही स्पीड काम करती है, ठीक है। बोथ साइड में थोड़ा मशीन कोई भी मशीन स्लो हो जाता है, ये भी हो जाती है, लेकिन सिंगल साइड और प्रिंट के मामले में बहुत ही बेहतर मशीन है। मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्त आपको भी ये मशीन परचेस करनी है तो आप ज़रूर इसे परचेस करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सेटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।